इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हाँ। इस वक्त अपडेट की बात करें तो नीमच से है, जहां शहर की आम जनता के लिए नगर पालिका द्वारा स्विमिंग पूल प्रारंभ किया गया है। इसकी विधिवत शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन कर की गई है। इस मौके पर मासिक रूप से अभ्यास करने वालों को पास का वितरण भी किया गया है। शाम 6:30 पर स्विमिंग पूल परिसर में विधायक दिलीप सिंह परिहार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज से स्विमिंग पूल प्रारंभ हो रहा है। यहां कई तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त कर देश का नाम रोशन करेंगे। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हम पूरी मदद करेंगे। हमारा अगला सपना नीमच के नालों को सुंदरीकरण कर नाव चलाने का है। स्विमिंग पूल में सतर्कता के लिए 5 लाइफ गार्ड रखे गए हैं। वह यहाँ सभी बच्चों को ध्यान रखेंगे और उन्हें अच्छे तैराक बनाएंगे। सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले समय में जो खेलों के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। SP सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि यह पुल शुरू होने से नीमच में 4 चांद लग गए हैं। बढ़ती सुविधाओं के साथ नीमच टॉप शहरों में आ गया है। खेल प्रेमी इसका लाभ उठाए, इससे शरीर का विकास होगा। ADM नेहा मीणा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करें, प्रतिभा आगे बढ़े और करियर पर ध्यान दें। किसी भी अगर आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है तो प्रशासन व समाज के माध्यम से उसका निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, सांसद प्रतिनिधि सत्यनारायण सतगोयल, जिला तैराक संघ के अध्यक्ष अशोक मोदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण CMO CP राय ने दिया, वहीं संचालन विजय बाफना द्वारा किया गया और आभार मंडल अध्यक्ष योगेश जैन द्वारा माना गया। इस मौके पर तैराकी संघ के पदाधिकारी आमजन और तैराकी खिलाड़ी मौजूद रहे। नगरपालिका ने तैराकी के लिए मासिक पास वालों के ही स्विमिंग पूल की में एंट्री देने की व्यवस्था की है, जिसके लिए बच्चों के 800 रुपये और बड़ों में 1200 रुपये एक माह के पास बनाए गए हैं। वर्तमान में 30 ही लोगों ने आवेदन जमा कर अपने पास बनवाए हैं। आज शुरुआत हमने की है, जो सौगात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने नीमच जिले को दी थी, आज उसको जीर्णोद्धार करा के नगरपालिका के माध्यम से और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं नीमच की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं वो नीमच का नाम रोशन करें। जो तैराकी प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेते हैं, नेशनल तक जाते हैं, उन बच्चों के लिए अवसर है और ये हमने बिल्कुल व्यवस्थित करके वो सुधारा है। लाइफगार्ड की आज अस्थायी नियुक्तियाँ हुई है और वो यहाँ प्रशिक्षण देंगे। यहाँ के बच्चे नेशनल खेलेंगे, ऑल इंडिया खेलेंगे और नीमच का नाम रोशन करेंगे। हम ये देखते हैं बहुत सर्व सुविधा युक्त स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल को बहुत लंबे समय से कोरोना काल होने की वजह से बंद पड़ा था, आज जनता के लिए हमने समर्पित किया और इसमें कोई परिवार आएंगे तो उनके लिए भी हम राहत प्रदान करेंगे और बच्चे बच्ची यहाँ के नाम रोशन करें नगर पालिका के माध्यम से। आज जिलाधीश महोदय मैडम मीणा रावत जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष योगेश जी और हमारे तैराकी संघ के अध्यक्ष मोदी जी और भाई मोहन सिंह राणावत जी SP साहब, हम सब ने मिलकर आज इसका शुरुआत की है और बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। आने वाले बच्चे यहाँ का नाम रोशन करेंगे। ये तैराकी प्रतियोगिता भी हम यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे संभागीय और प्रांतीय प्रतियोगिता यहाँ आए, बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ आए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। हम देखते हैं धीरे धीरे हमने सब चीज़ डेवलपमेंट की है। जो हमारे यहाँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो टाउन हॉल है, जो यहाँ हमारे जो खेल का मैदान है, जो हमने यहाँ पेवेलियन बना के भी तैयार किया है, आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज, बाईपास और भी सौगातें हम नीमच जिले को देने वाले हैं। ये तो हमारे पुरखों ने जो हमें सौगात दी थी, आज इसको हमने वापस शुरुआत की है। पास को लेकर प्रक्रिया हमने जो मांग थी उसको कम किया है और 1200 रुपये ना, पहले 2500 से 1200 रुपये हमने किया है आधा। फिर जो बच्चे खेलेंगे उसके अलावा भी जो पत्रकार बंधु है, कोई परिवार के साथ एक दिन के लिए अगर कोई परिवार स्विमिंग पूल दिखाना चाहता है तो उसकी हम अलग से जिलाधीश महोदय से बात करके और प्रक्रिया CMO बैठ के हम निराकरण करेंगे। आज एक अच्छा अवसर है कि जो बंद पड़ा हुआ था आज शुभारम्भ हुआ है। मैं पुनः इनके सब बच्चों खिलाड़ी भाइयों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये और बच्चों के लिए तो 800 भी रखा है, 800 रखा है तो वो अच्छे अवसर प्राप्त करके नीमच का नाम रोशन करें। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।